मुझे भी थोड़ा लेट ही आना चाहिए था ये नेता जी तो टाइम पर आने से रहे। स्टाइल है पार्किंग करने का, फालतू का शो आप। प्रणाम प्रिया जी। हेलो, ये परफ्यूम लगाते हैं आप नहाते हैं उसे? बढ़िया कपड़ा, धमाकेदार खुशबू, अपना स्टाइल इंप्रेस कर दिया ना आपको। बाहर चार गाड़ियों के साथ 10 कार्यकर्ता खड़े हैं, आप बस काम बोलिए, फटाफट हो जाएगा। ओहो, तो ये गाड़ियों की भीड़ का शोर आप ही का था? बिल्कुल मैडम, पता लगना चाहिए कि आपके क्षेत्र में पिल्लू भैया हैं। पिल्लू? पलविंदर सिंह बग्घा, क्षेत्र में हमें पिल्लू भैया बुलाते हैं। ये वोट मांगने आए या डेट पर आए? एक मिनट, क्या है कि हम कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल मिस नहीं कर सकते। हेलो, हाँ जन्मेजय। अरे क्षेत्र में पिल्लू भैया का दबदबा है और किसी के माई के लाल में इतनी दम नहीं कोई हमारी बात काट सके। आप बेफिक्र होइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, फैक्ट्री ओपन कराइए। हाँ हाँ जी, माफ कीजिएगा। अरे आपके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट लेके आए हैं, ये लीजिए। कैमरा? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है भाई। देखिए, हम चाहते हैं 2090 तक बच्चा बच्चा इन्फ्लुएंसर बने, रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, हमारे वीडियोस काट काट के शॉर्ट्स में डाले। एक बात बताइए, मैंने आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किया था, उसमें कुछ बातें तो समझ में आई लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पता चला कुछ। देखिए अरे अब हमको पढ़ाई की क्या जरूरत है, हमने मैनेजर्स रखे हुए हैं, मोटी कमाई देते हैं उनको ये सब काम करने के लिए, तो हमारे लिए काम करते हैं। तो फिर वो भाषण और कागजों पर सिग्नेचर? वो लिखते हैं, हम बोलते हैं, बताते हैं, हम दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, काफी समझदार हैं आप। एक को बात बताइए, आप हमारे साथ डेट पर क्यों आई? डैडी के कहने पर, और मैंने भी सोचा कि आप नेता हैं, देश के लिए बहुत अच्छा करते होंगे और भविष्य में भी बहुत अच्छा करते रहेंगे, तो मैंने सोचा मैं भी मिल लेती हूँ। अरे क्या बात कर रही हैं प्रिया जी। नेता हैं हम, कोई किसान और जवान थोड़ी जो देश के लिए करेंगे। जहां फायदा दिखता वहां खड़े होते हैं और जहां नहीं दिखता वहां भाग खड़े होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इस शिक्षा बेरोजगारी और इंटरनल सिक्योरिटी पर बात क्यों नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी कल ही हम एक यूनिवर्सिटी में भाषण देके आए हैं, शिक्षा और बेरोजगारी पे ऐसा भाषण दिया हमको वहां पर, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अरे जो खड़े होके ताली मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया हमको भाई। उस पर काम क्यों नहीं करते? इस देश में काम पे भी चुनाव जीते जाते हैं क्या है? अरे हम डेट पर आए हैं, आप क्या न्यूज रिपोर्टर की तरह एकदम बिल्कुल हमसे शिक्षा और बेरोजगारी पर सवाल कर रही हैं? न्यूज वालों की तरह नहीं, कम से कम जिसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं वो एक समझदार और ईमानदार नेता तो हो ही। तो आपको पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहना पड़ेगा क्या? अरे आप ये सब छोड़िए, हम आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आप हमको ज्वाइन, आप अगर शादी का प्रस्ताव हमारा एक्सेप्ट करती हैं तो फिर आगे चल के हम आपको अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना देंगे और हम आपके लिए प्रचार भी करेंगे। लेकिन अगर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो तो? नहीं तो आप हमारे लिए प्रचार करिएगा।
देखिए पिल्लू भैया, पलविंदर जी, मैं सिर्फ डैडी के कहने से आपसे मिलने आई थी। ना ही मुझे पॉलिटिक्स समझ आती है और ना ही मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट है। मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे प्रिया जी, अरे मैनिफेस्टो तो सुन लीजिए पूरा हमारा। अच्छा हुआ वो चली गई, आप जैसा हैंडसम नेता कोई परी ही डिजर्व करती है। चलिए भैया।